पाकिस्तान को हराकर टॉप पर पहुंचा साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड कप 2023 में लगातार चौथा मैच हारी पाकिस्तान की टीम। दक्षिण अफ्रीका ने चेन्नई में खेले गए रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को एक विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान की विश्व कप 2023 में लगातार चौथी हार है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की पांचवीं जीत के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है। वर्ल्ड कप 2023 के रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को एक विकेट से हरा दिया है। बेहतर रन रेट के कारण दक्षिण अफ्रीका की टीम टेबल पर भारत से आगे पहुंच गई है। चेन्नई में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 270 रन बनाए। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पारी लड़खड़ाई, लेकिन एडन मार्करम के 91 रनों की बदौलत टीम मुकाबला जीतने में कामयाब रही। पाकिस्तान को आखिरी तीन ओवर में जीत के लिए सिर्फ एक विकेट की दरकार थी, लेकिन तेज गेंदबाजों के ओवर खत्म हो जाने के कारण बाबर आजम को मोहम्मद नवाज को गेंद मजबूरी में देनी पड़ी और अफ्रीका के बल्लेबाज केशव महाराज ने उनके ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 40.4 ओवर में 270 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने विजय लक्ष्य 47.2 ओवर में 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 271 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों ने धारदार गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाया और शुरुआती चार बल्लेबाज टेम्पो बमुमा 28, क्वेंटन डिकॉक 24, राशी वर्मन दूसन 21 और हेनरी क्लासन ने 12 के विकेट को झटका देकर दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर ढकेल दिया। लेकिन एडन मार्करम ने एक छोर पर अपने पैर जमा लिए और मार्करम की 51 रनों की पारी ने टीम को लास्ट तक ले जाने में अहम भूमिका निभाई और साउथ अफ्रीका की टीम ने लास्ट में केशव महाराज के चौके से इस मैच को पाकिस्तान से जीत लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं।